हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्या लाभ एंड हानि। आइए दोस्तों, इसका कुछ देखते हैं, जो फॉर्मूला जो बहुत अच्छा फॉर्मूला है और इसका काफी यूज होते रहता है नॉर्मली वे में। वैसे तो हम लोग आप ठीक के माध्यम से पढ़ेंगे। वैसे देखिए, लाभ जो लाभ होता है ना दोस्तों, लाभ लाभ जो निकालते हैं हम लोग, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब क्या ज्यादा होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और हानि जो है, तो हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य बढ़ जाता है और विक्रय मूल्य कम हो जाता है, तो वही हम लोग करना है क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देना है। लाभ परसेंट दोस्तों हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो लाभ परसेंटेज का तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हानि परसेंटेज निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, दिल से कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। चाहिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन। जो राम ने एक मेज 150 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा दोस्तों, 150 रुपया में खरीदा, तथा उससे 160 रुपया में बेच दिया। आप ही सोचिए, हम लोग जो कोई 150 रुपया में वस्तु खरीदेंगे, 160 रुपया में बेच देंगे, तो हम लोग को क्या होगा दोस्तों। तो ये तो देखने ही से पता चलता है कि मतलब क्या लाभ होगा, लाभ कितने का होगा, 10 रुपया का लाभ होगा। तो दोस्तों हम लोग जो कोई वस्तु खरीदते हैं, वो अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्तों, 100% होता है अपने आप में। उसका क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। इसी पे सब कुछ हम बनाएंगे। इसे बहुत ट्रिक के माध्यम से, बहुत शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आप लोग इसको देखिए और समझ ही जाइएगा। देखिए, राम ने एक मेज कितना में, 150 रुपया में खरीदा। हमने क्या बोला, कोई चीज खरीदते हैं या कुछ वस्तु है, वो अपने आप में कितना, 100% है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% इजकल टू कितना लिखेंगे, 150 लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, 150 खरीदा तथा 160 रुपया में बेच दिया। हेलो दोस्तों, 160 रुपया में बेच दिया, तो हमको क्या होगा, लाभ होगा ना दोस्तों, लाभ होगा ना। देखिए, तो लाभ हम लोग को होगा, तो लाभ हम क्या बनाए, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो दोस्तों 160 रुपया विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य है 150 रुपया, कितना रुपया लाभ हुआ, 10 रुपया हमको क्या हुआ, लाभ हो गया। तो हम लोग लाभ परसेंटेज निकालेंगे, अगर मान के चलिए लाभ परसेंटेज, तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ मेरा कितना है, 10 रुपया गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, 150 रुपया। जी हाँ दोस्तों, कि कैसे कर देंगे इसको, इतना से कर देंगे इसको, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, 20 बटा 13। जी हाँ दोस्तों, 20 बटा 13 मेरा क्या आएगा, परसेंट में आएगा, क्या होगा, इतना लाभ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, क्वेश्चन नंबर टू जो है दोस्तों, कह रहा है देखिए, एक घड़ी 300 रुपया में खरीदी गई तथा, मतलब क्या, एक घड़ी कितना रुपया में खरीदी गई, एक घड़ी 300 रुपया में खरीदी गई तो उसका विक्रय मूल्य होगा, सॉरी, खरीदी गई तथा 10% लाभ पे बेची गई, तथा कितना, 10% लाभ पर बेची गई ना दोस्तों, बेची गई तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य मूल्य जो होगा क्या होगा। तो दोस्तों आइए इसे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। कहता है एक घड़ी 300 रुपया में खरीदी गई, ठीक है, और उसे 10% लाभ पे बेची गई। दोस्तों हम बताएं कि आपका कोई वस्तु कितना परसेंट, 100% इजकल टू कितना होगा, 300 होगा। जी हाँ दोस्तों, 300 होगा। अब क्या कर रहा है, खरीदी गई 10% पे बेची गई ना, तो अपने आप में कोई वस्तु 100% है, और लाभ मतलब क्या, उसमें प्लस हो जाएगा, अगर हानि होगा तो माइनस करेंगे, 100% में से उतना माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, मतलब क्या, 10% पे बेची गई तो हम लोग को क्या करना है, 100 प्लस 10 करना है, ठीक है, कितना परसेंटेज करना है हमको, कितना चाहिए दोस्तों, तो 110% हो जाएगा, तो 110% वाली निकालना है, बस यही सॉल्व हो जाएगा। 110% क्या करना है, 110% इक्वल टू, तो 300 है इधर, 100 को हम लोग नीचे ले आएंगे, 100 इतना, 110 को निकालना है, तो 110 करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, 11 33 हो जाएगा, 33 और 1 जीरो है तो 1 जीरो। जी हाँ दोस्तों, इतना रुपया में क्या हुआ, वो घड़ी को बेच दिया होगा, 300 रुपया में खरीदा लेकिन 330 रुपया में बेच दिया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर
तीसरा आप क्या कहता है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक दुकानदार 400 रुपया में एक सामान खरीद कर, मतलब कोई दुकानदार है 400 रुपया में सामान खरीदा किसी कारणवश, मतलब कोई कारण रहा होगा या नहीं उसको पसंद आया होगा, किसी कारणवश 15% घाटा सह कर उसे बेच देता है, तो वो सामान कितने में बिका होगा। दोस्तों आप ही सोचिए, अगर आपके पास कोई मोबाइल है खराब हो गया तो 15% लॉस हो गया, आपको लॉस सहकर आप क्या किए उसको बेच दिए, तो उसमें आपको बेच दिए तो आपको कितना रुपया निकला, कितना रुपया का हुआ। तो वही हम निकालते हैं, हम क्या बताएं, पहले अभी पीछे बताया जी दोस्तों, कोई आप सामान अपने आप में 100% होता है, तो वही हम लोग लिखेंगे 100%। इसका तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 400 रुपया ना क्रयमूल होता है 100%, अपने आप में क्रयमूल 100% होता है। तो दोस्तों देखिए, हमको कहता है किसी कारण से घाटा सहकर, मतलब क्या हानि लगा उसको, क्या लगा हानि हुआ, तो हानि हुआ तो हम लोग बताएं कि 100 में से माइनस कर देना जितना हानि हुआ, तो वो मेरा कितना निकल जाएगा 85। ये कितना, इतना परसेंट हम लोग को क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। अगर यही लाभ होता तो हम लोग क्या कहते इसमें प्लस कर देते, ठीक है। तो आइए कहता है इतना, मतलब 15% के क्या हो गया उसको घाटा लगा, तो घाटा लगा तो इतना ही परसेंट में उसको पैसा मिलेगा 85% ना, तो हम लोग क्या करेंगे 85% निकालेंगे, तो 85% इक्वल टू 400/100 गुने 85, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 को 0 को हम लोग क्या करेंगे, 2 को 0 से 2 को 0 काट देंगे दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, 5 चौका 20 हुआ दोस्तों, तो 2 हासिल है 8 चौक 32 32 33 34, मतलब क्या 340 रुपया, 340 रुपया में क्या किया होगा दोस्तों, उसको बेच दिया होगा दुकानदार। तो आइए इसमें ऑप्शन कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर सी है, 340 रुपया है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग क्या करेंगे, टिकअप कर देंगे, मार देंगे टिक। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 180 रुपया में खरीदी गई वस्तु, कोई वस्तु को क्या किया दोस्त, 180 रुपया में खरीद कर खरीदा गया, और वो कितना क्या सोचा कि हमको 20% का लाभ हो जाए, कितना में बेचे हम, बहुत ही चालाक रहा होगा और सोचा कितना में इसको हम बेच दे कि 20% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों अभी हम लोग हानि वाला में चले थे, तो ये क्या करेंगे, अब ये जो 180 रुपया है तो मेरा तो ये 100% हो जाएगा, हम लोग इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि 100% क्यों होगा, ठीक है दोस्तों, अब रिपीट करने की जरूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं, कहता है 20% का लाभ हो, तो दोस्तों कोई वस्तु तो अपने आप में 100% हम लोग कर दिए, और कहता है लाभ हो ना, तो लाभ होगा तो प्लस प्रॉफिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट कितने का, 20% का दोस्तों, तो 20% का लीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा, 120% हो जाएगा, मतलब क्या 120% में उसको क्या करना है, क्रियाक्रम कर देना है, डस्ट लेना है, इस क्वेश्चन को हाल जितना से जल्दी डस्ट लीजिए, देख लिया ये, तो 120% हम लोग निकालेंगे, तो 120% इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, तो 180/100 × 120 कर देंगे दोस्तों, ठीक है 120 कर देंगे, एगो दुगो, मतलब 2 को 0 से 2 को 0 खत्म। तो देखिए 18 और 12 को हम लोग गुना कर देंगे, तो 8 × 16 = 1 + 2 = 3 8 और 1, मतलब क्या 6 × 8 = 11 + 1 = 216, मतलब क्या दोस्तों 216 रुपया आया मेरा, ये बेसिक बताया हूँ दोस्तों। आप लोग देखिए इसका 216 रुपया होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है क्या, नहीं है दोस्तों 200 है, बी है क्या, नहीं है, सी है क्या, नहीं है 216, हाँ जी ये मेरा डी, टिकअप कीजिए आप लोग, डी को मारिएगा दोस्तों, काफी अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर मतलब 6 मेरा क्या कहता है और क्या करना पड़ेगा आगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेरा कहता है और इसमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक घड़ी को 10% हानि पर 270 रुपये में बेच दिया गया, मतलब 10% हानि पे 270 रुपये में बेच दिया गया, तो क्रयमूल क्या होगा। दोस्तों क्रयमूल तो हम लोग 100% जानते हैं, लेकिन 270 रुपये में बेच दिया गया, हेलो 270 रुपये में बेच दिया गया, और कितना परसेंट का हानि है, 10% का हानि है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10% का हानि है दोस्तों, तो 100 - 10 करेंगे तो हमारा कितना 90% होगा, ये 270 रुपया जो है मेरा 90% होगा, 270 रुपया कितना परसेंट होगा, 90% होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं यहीं से, तो 90% इक्वल टू मेरा कितना 270 रुपया, हेलो 90% इक्वल टू 270 रुपया, और हम लोग क्रयमूल कितना करते हैं 100%, क्रयमूल अपने आप में 100% होता है, तो हम लोग को क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है,
100% निकालना है, तो 100% हम लोग निकालेंगे, तो 100% इक्वल टू 270 बट्टा 90, ठीक है, और गुने 100%। कोई फॉर्मूला का जरूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ ट्रिक चलता है जीनियस एकेडमी पे, ओनली फॉर ट्रिक, ठीक है दोस्तों। तो आइए 100% हम लोग निकालें, तो यहाँ से 9 + 27 मतलब कितना 300 हो जाएगा दोस्तों, 300 रुपया हम लोग का क्या होगा, उसका क्रेमुल होगा। आइए ऑप्शन मिलाते हैं, 300 रुपया पहला नंबर है ऑप्शन, हेलो दोस्तों पहला नंबर ऑप्शन मेरा सही है, दूसरा 400 है गलत हो गया, तीसरा 310 है वो भी गलत हो गया, और 350 हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये इसी प्रकार ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का क्रय मूल 110 रुपया है दोस्तों, एक वस्तु है जिसका क्रय मूल 110 रुपया है, ठीक है, यदि इसे 10% हानि पर बेचा जाए तो 10% हानि हो गया, कोई कारणवश रहा होगा तो उस पे 10% हानि हो गया, बेचा जाए तो हानि क्या होगी, हानि कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग तो जानते हैं क्रय मूल अपने आप में 100%, ठीक है दोस्तों, इसमें कहने वाली कोई बात है ही नहीं, 110। अब क्या रहा है, तो 10% हानि हो गई, तो दोस्तों 100% तो अपने आप में वस्तु होता है, 10% की हानि हो गई मतलब क्या माइनस हो गया, तो 10% 90%, ठीक है दोस्तों, मतलब क्या 90% बेचा जाए तो हानि क्या होगी दोस्तों, 90% ही रह जाएगा, लेकिन क्या कहता है 10% हानि हो गई, तो हानि हमको पूछ रहा है, हेलो हानि पूछ रहा है ना कि पूरा वो वस्तु का, तो हम लोग क्या करेंगे 10% जो हानि है तो हानि इवनली निकालेंगे, क्योंकि हानि पूछ रहा है कितना होगा, तो हम लोग सीधे लिखेंगे 10%, तो 10% 110 बट्टा क्या करेंगे 100 को नीचे लाएंगे और गुने 10% को उस साइड कर देंगे, तो 10% 2 × 0 से 2 × 0 दोस्तों चला गया मेरा कितना बचा 11 कितना रुपया में, रुपया कितना है दोस्तों देखिए, हम ऑप्शन मिलाते हैं क्या, ए नंबर है 10 रुपया है जो 11 रुपया है, तो पहला तो मेरा गलत हो गया दोस्तों, जी हाँ दूसरा मेरा सही है, बी नंबर मेरा सही है 11 है, तीसरा ये सबको तो देखना ही नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार बेहतरीन ट्रिक के साथ, अगर आपको ट्रिक के साथ, बेहतरीन ट्रिक के साथ लाभ एंड हानि आपको पढ़ना है दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, जी हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, घंटा दबा दीजिए, जी हाँ दोस्तों अब कोई इंतजार नहीं दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म, हम बेहतरीन ट्रिक के साथ आपके लिए लेकर आएंगे लाभ हानि का और क्वेश्चन, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, और ऐसा ही महत्वपूर्ण लेसन जैसे हुआ दोस्तों नाव धारा हो गया, रेलगाड़ी संबंधी हो गया, जी हाँ दोस्तों परसेंटेज हो गया, यही सब हम आपके लिए मेहनत का बेहतरीन ट्रिक के साथ आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।